चोरी और तस्करी रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने कई उपाय किए हैं, तो तस्कर और चोर भी पीछे नहीं है, जो रोजाना नए नए तरीके आजमा कर तस्करी और चोरी जैसी वारदातों को अंजाम दे देते हैं। ऐसा ही एक मामला सोने की तस्करी का है, जिसके लिए शख्स ने एक ऐसी तरकीब अपनाई कि हर कोई हैरान रह गया। उसने सोने का पोस्ट बना लिया और इसे मलाशे के अंदर छिपा लिया, जिसे निकालने में भी सुरक्षा बलों को खूब मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल यह मामला मणिपुर में इम्फाल एयरपोर्ट का है, जहां CISF ने जांच के दौरान एक यात्री को सोने की तस्करी के आरोप में पकड़ा। दरअसल वह शख्स भी जांच की प्रक्रिया से गुजर रहा था, लेकिन इस दौरान वह सहज नहीं था। मेटल डिटेक्टर से भी उसके शरीर में मेटल होने का संकेत मिला। अधिकारियों को संदेह हुआ तो वे उसे होल्ड एरिया में लेके गए, जहाँ किसी भी यात्री को संदेह होने पर गहन जाँच के लिए ले जाया जाता है। पूछताछ के दौरान वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद एयरपोर्ट पर मौजूद सिक्योरिटी ने उस व्यक्ति के शरीर के निचले हिस्से का एक्सरे कराने का फैसला लिया, और जब रिपोर्ट सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। उसके पेट के निचले हिस्से में 4 पैकेट दिखाई दे रहे थे। जो उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि इनमें सोने का पेस्ट है। सिक्योरिटी ने खासी मशक्कत के बाद उस यात्री के शरीर से उस पैकेट को निकलवाया। इसका वजन किया गया तो यह करीब 1 किलो के आसपास का निकला, जिसकी कीमत बाजार में 40 से 42 लाख रुपए बताई जा रही है। यह शख्स केरल का बताया जा रहा है, जो एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होने की फिराक में था।